जो मैं प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, दिस इज वर्ल्ड्स बेस्ट सनस्क्रीन। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी सनस्क्रीन के बारे में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हेलो माय डार्लिंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल विद इन। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि समर्स तो चले गए, अब मैं सनस्क्रीन पे वीडियो क्यों बना रही हूँ। दोस्तों, समर्स से रिलेटेड नहीं है सनस्क्रीन। सन 365 डेज होता है और हमारे स्किन को डैमेज करते रहता है, तो सनस्क्रीन तो 365 डेज लगाना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, हम जब सनस्क्रीन लेने जाते हैं मार्केट में, अगर आप जाते हो तो आप क्या चीज़ें देखते हो सनस्क्रीन में खरीदने से पहले? सबसे पहली चीज हमें ये देखनी होती है कि उसका SPF कितना है। Like SPF इज द मेन कंसर्न होना चाहिए आपका जब आप कोई सनस्क्रीन लेते हो, तो सी दैट यू गेट मैक्सिमम SPF। लाइक यू नो 40-50 SPF इज लाइक वॉट आई ऑलवेज लुक आउट फॉर इन सनस्क्रीन। ओके, दूसरी चीज ये है कि उसमें दोनों प्रोटेक्शन होनी चाहिए, UVA प्रोटेक्शन, साथ ही में UVB प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। UVA जो रेज होते हैं वो एजिंग, लाइक हमारे स्किन पे ज्यादातर जल्दी रिंकल्स ले आएगा, ज्यादातर यू नो एजिंग के जो साइंस होते हैं वो जल्दी आ जाएंगे आपके स्किन पे अगर UVA प्रोटेक्शन नहीं होगा उस सनस्क्रीन में। तो एंड UVB रेडिएशन क्या प्रोटेक्शन भी होना चाहिए सनस्क्रीन में, बिकॉज UVB रेडिएशन यानी कि बर्निंग रेज, सो उससे हो जाती है आपको टैनिंग वगैरह, जो आपकी स्किन बर्न होती है और उसकी वजह से हो जाता है सन टैन का इशू। सो ये दोनों जो है रेडिएशन, UVA एंड UVB, दोनों रेज से आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अगर आप कोई सनस्क्रीन देख रहे हो। तो ये दो फैक्टर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी सनस्क्रीन लेते हो। तो नेक्स्ट फैक्टर जो मेरा ज्यादातर होता है देखने में कोई सनस्क्रीन में, वो है कि जब मुझे ये सब मिल जाता है, SPF अच्छा मिल जाता है, UVA एंड UVB प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, साथ ही में देखे कि PA की ट्रिपल प्लस साइन हो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला भी प्रोटेक्शन हो। अब आप जब ये सारी चीजें देखेंगे कोई भी सनस्क्रीन में, तो आपको डेफिनेटली उसमें प्रिजर्वेटिव वाला ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जिस सनस्क्रीन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये स्पेशली डिजाइन किया हुआ है फॉर बेबीज। सो जो जल्दी से बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ मॉम एंड वर्ल्ड का मिनरल बेस्ड बेबी सनस्क्रीन लोशन, इसके बारे में। नो फ्रेंड्स, मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में जैसे ये वर्ल्ड का बेस्ट सनस्क्रीन है, क्यों? बिकॉज फ्रेंड्स, ये बच्चों के लिए बना हुआ है, राइट? सो बच्चों के लिए बना हुआ है, तो इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें कोई भी सिंथेटिक कलर्स नहीं है, नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एज वेल। सो मैं आपको पहले यही बता देती हूँ कि बच्चों के लिए, लाइक इन्फेंट्स, टॉडलर्स लगा सकते हैं इसको, इतना सेफ है। इट हैज नो सल्फेट्स इनटू इट, सेफ इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, नो एनिमल टेस्टिंग इज डन, नो मिनरल ऑयल, नो पैराबीन्स, इज मेड अप ऑफ विटामिन ई एंड B3। नाउ फ्रेंड्स, इसकी खास बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, तो ये कम्प्लीटली सेफ है, तो अपने स्किन के लिए तो सबसे अच्छा ही है। साथ ही में इसकी बेस्ट बात ये है कि इसमें है SPF 50, सो यू गेट अ वेरी गुड SPF कंटेंट। SPF 50 मिल रहा है आपको, काफी अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। साथ ही में इसमें है UVA प्रोटेक्शन, UVB प्रोटेक्शन, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, एंड PA की ट्रिपल प्लस साइन। तो जैसे मैंने आपको कहा, अच्छा खासा SPF के साथ अगर आप UVA UVB प्रोटेक्शन वाला सनस्क्रीन देखते हो जिसमें PA की ट्रिपल प्लस साइन भी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है, तो ये आपको ज्यादातर ऐसे ही सनस्क्रीन में मिलेगा जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है। बट दिस सनस्क्रीन डजंट हैव एनी प्रिजर्वेटिव्स इनटू इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। नाउ जो मैं आपको पैकेजिंग बता देती हूँ, तो एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आपको मिलता है एंड यू गेट अ वेरी ब्यूटिफुल पैक्ड बॉटल एंड पंप पैकेजिंग में आता है, सो लाइक यू नो ज्यादा आपका सोल्यूशन वेस्ट भी नहीं हो जाता है। बहुत बारी हम जब ढक्कन में से कुछ निकालते हैं तो बहुत ज्यादा लोशन आ जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक इनटू द बॉटल, सो इट कम्स इन अ पंप पैकेजिंग, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज, ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग है एंड यू गेट अ 120 ml ऑफ अ बॉटल, प्राइस एट ₹399। मैं परचेस लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डेफिनेटली वहां से परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन साइट्स पे ऑफर्स होते ही रहते हैं। सो 399 इसकी MRP है एंड इट कम्स इन 120 ml की पैकेजिंग। नाउ लेट मी गेट इनटू मोर ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स इन दिस सनस्क्रीन। सो आगे मैं आपको टेक्सचर और डेमो भी दिखाऊंगी, मैं ऐसे ही खाली ब्लाबला नहीं करती हूँ, मैंने इसको आपको लगा के दिखाना है, आपको उसका टेक्सचर भी दिखाना है। एंड लेट मी टेल यू, इट इज, जैसे मैंने आपको कहा, इट्स नेचुरल मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन, सो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल मिनरल ऑयल नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, ऑब्वियसली SPF 50 है इसमें, सो इट्स गोना लास्ट यू वेरी लॉन्ग एंड इट गिव्स यू बोथ द प्रोटेक्शन एंड, और एक खास बात इसकी ये है कि इट्स वाटर रेजिस्टेंट एज वेल। सो लाइक यू नो बच्चे आजकल यू नो स्विमिंग में जाते हैं, कराटे क्लासेस आप देखो, तो बच्चे बहुत बारी घर के बाहर ही ज्यादा रहते हैं ऑब्वियसली, सो जब भी वो नहा के निकले तो आप उसे ये लगा लो,
एवरीडे के लिए एक लोशन है, जैसे मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाते हो आप, इसे ये प्रोटेक्शन दे देते हो तो योर चाइल्ड स्किन इज प्रोटेक्टेड बाय द सन रेज. सो ये हम तो लगा ही सकते हैं, लेकिन बेबीज के लिए भी, लाइक आई हैव टेकन इट स्पेशली फॉर माई किड एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग इट ऑब्वियसली. सो और एक खास बात इसमें मुझे ये लगी कि बहुत लोग सनस्क्रीन में ये भी देखते हैं, कि मैंने बहुत बारी देखा है लोग ये कहते हैं कि जैसे लगाते ना जैसे व्हाइट जैसे भूत बना देता है वो सनस्क्रीन को, लाइक व्हाइट कास्ट तो इतना बुरी तरह से देता है. इस सनस्क्रीन की खास बात यह है कि ये बहुत ही लाइट टेक्सचर्ड है, आपको बिल्कुल ही ग्रीसी फील नहीं होगा. इट्स सो सुपर बटर स्मूथ टेक्सचर है इसका, बहुत ही ज्यादा लाइक मिल्क की टेक्सचर है इसका, और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा. फ्रेंड्स एज यू सॉ टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग है, फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है, बिल्कुल भी आपके बच्चे के स्किन को इरिटेट नहीं करेगा. इसमें ऐसी कोई चीज डाली ही नहीं है जिससे कोई सेंसिटिव स्किन हो या कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली सेफ फॉर चाइल्ड, यू नो इट्स मेंट फॉर बेबीज. सो ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड है एंड आई थिंक इट्स वर्ल्ड्स बेस्ट सनस्क्रीन, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, लाइक व्हाइट कास्ट नहीं देता है, हैवी नहीं है स्किन पे, मॉइस्चराइजिंग लोशन की टेक्सचर में है दैट एब्जॉर्ब्स इनटू द स्किन वेरी नाइसली वेरी क्विकली एंड गिव्स अस सो मेनी गुड थिंग्स लाइक वाटर रेजिस्टेंस, यूवीए यूवीबी प्रोटेक्शन, एसपीएफ 50, और क्या चाहिए यार आपको. सो आई थिंक आई हैव लैंडेड माई हैंड टू द बेस्ट सनस्क्रीन एवर, आई जस्ट लव्ड इट एंड माई चाइल्ड इज ऑल्सो लविंग इट, बिकॉज ना बच्चों को ये चिपचिपापन बिल्कुल नहीं पसंद आता है. अगर आप उनको कुछ लगाओ और वो सन में जाते हैं पसीना आता है एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग ग्रीसी एंड इची सा लगता है. मैंने बहुत सारे ऐसे सनस्क्रीन यूज किए हुए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस. सो लाइक यू नो अगर आप वाटर रिसोर्ट पे जाते हो, आप बड़े वेकेशन पे जा रहे हो, यू नो यू स्टेइंग आउट ऑफ द हाउस फॉर लाइक 4 to 5 hours, दिस इज अ सनस्क्रीन यू डेफिनेटली हैव टू कैरी विथ यू. सो आई थिंक दिस वॉज इट अबाउट माई रिव्यू, आई लव दिस वन एंड या परचेस लिंक नीचे होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डेफिनेटली चेक कर लेना. And this is my first purchase from Mom and World and I completely love the products. बहुत लोगों ने कहा था कि मैम इसका आप रिव्यू करें, ये Mom and World का कोई प्रोडक्ट लीजिए, तो मैंने ये लिया बिकॉज आई रियली रियली नीडेड अ सनस्क्रीन फॉर माई चाइल्ड जो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड हो एंड आई गॉट दिस वन. आई एम रियली रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट. सो येस फ्रेंड्स, मेरी तरफ से तो फुल 5 stars है इस प्रोडक्ट को एंड डेफिनेटली अगर आप इसके अक्रॉस आए तो डेफिनेटली डू ट्राई इट एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू फील अबाउट इट. सो येस दिस वॉज इट अबाउट माई रिव्यू ऑन दिस सनस्क्रीन. आई होप आपको मजा आया हो. अगर मजा आया है, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन डाउन बिलो. अगर इसके रिलेटेड कुछ भी पूछना या सनस्क्रीन के रिलेटेड कुछ भी पूछना है, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई सॉर्ट योर क्वेरीज आउट, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी. एंड येस, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पता ही, आपको क्या करना है, आपको करना है सब्सक्राइब, जुड़ना है मेरी फैमिली में, रेड बटन होगा उसे क्लिक कर देना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे. टिल देन आई सी माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो. बी ब्यूटीफुल, बी गॉर्जियस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.